नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद इसके प्रभाव को लेकर कई तरह की बातें फैलने लगी हैं, जिनमें से एक ये भी है कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं की फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल रही है। आपने भी सोशल मीडिया या कहीं और इस बारे में पढ़ा या सुना होगा कि कोरोना वैक्सीन का फर्टिलिटी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में महिलाएं संशय में हैं कि प्रजनन उम्र में वैक्सीन लगवानी चाहिए या अगर वो वैक्सीन लगवा लेती हैं तो क्या इसका असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बात फैली थी, इसकी वजह से महिलाओं की फर्टिलिटी में गिरावट आ रही है और उनका मिसकैरेज हो सकता है। इस वजह से प्रजनन उम्र की महिलाएं निर्णय नहीं ले पा रही थी कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। इस बारे में विशेषज्ञों और डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन लगवाना है या नहीं, ये हर महिला का निजी निर्णय होना चाहिए। उन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि अगर वो प्रेगनेंसी में कोरोना से संक्रमित हो गई तो क्या होगा। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की वैक्सीन महिलाओं की फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं कर रही है, इसका प्रेग्नेंट होने या कंसीव करने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोविड-19 वैक्सीन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन की बजाय वायरस फर्टिलिटी और कंसीव करने की क्षमता पर असर डालता है। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन उन महिलाओं को भी लगवानी चाहिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, इससे उनमें कोरोना की चपेट में आने का खतरा कम होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ।